जल्दी निकलो जल्दी निकलो 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 जल्दी निकलो, लैंडस्लाइड हो रही है। चलो 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 चलो। अच्छा तब ओ शिट, ये देखो इधर खाई और इधर खड़ी फिसल रही है। ओ चलो रिस्क लेके हम लोग जा रहे हैं क्योंकि रास्ता ब्लॉक है, बता रहे आगे पेट्रोल लीकेज डूल रहा है उसमें से। पेट्रोल डूल रहा है क्या? 111 डिग्री टेम्परेचर हो चुका। ओ भाई ये तो बहुत ज़्यादा डूल रहा है, बहुत ज़्यादा डूल रहा है। चलो निकालो। चुके रेगिस्तान में, देखो ये रेत देखो भाई कितनी ही सॉफ्ट और कितनी प्यारी। आवाज़ थोड़ी सी अलग आ रही होगी मेरी क्योंकि ठंडा बहुत था, पानी भी बहुत ठंडा था और वही फिर ठंडा पानी ही पिया क्योंकि गर्म पानी तो भाई मिलेगा नहीं पीने के लिए। तो इस टाइप से रिवर साइड कैंप पे ही है, पीछे साइड रिवर जा रही है जिसकी आवाज़ नाइट में भी आ रही थी और अभी भी आ रही है। बाकी ये बहुत ही प्यारी लोकेशन है ये, और इसका जो नाम है ये नाम ही है रिवर साइड कैंप। और सामने अपनी बाइक से लगी हुई है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो। और बोन फायर के लिए भी नाइट में बोला था लेकिन कर नहीं पाया क्योंकि ठंड काफ़ी थी। वेट बहुत ठंडा लग रहा भाई। और अभी चलते हैं भाई लोगों के पास, देखते हैं वो लोग उठे या नहीं। तो यहाँ पर ये वाला हमारा कैंप है, यहाँ पर दो भाई लोग यहाँ सोए थे तो चलो इनको उठाते हैं। भाई लोग भैया गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये दो उंगलियां किसकी है भाई? हाँ तो देखो ये लोग अभी तो सोए हैं और देखो यहाँ का वॉशरूम वगैरह कल ही दिखा दिया था मैंने, लेकिन ये ब्लॉग दूसरा है तो दिखा दूँ। ये इस टाइप से वॉशरूम है। ओ भैया पानी का टाइम खत्म होने वाला है तो पानी भर लो। शुभम भाई, ये भैया हमारे शुभम भाई गुड मॉर्निंग। ये हमारे शैलेश भाई गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग रेडी वगैरह होते हैं उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। One hour later. ब्रेकफास्ट में अचार बटर मैं ही खा रहा हूँ। कल पनीर छूट गया था। क्या खा रहा भैया? कल पनीर का ब्लॉग छूट गया था। पनीर का ब्लॉग छूट गया। हाँ वो डालूंगा थोड़ी ना मैं। नहीं 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 तो ये देखो पोहे हैं, बट ये पोहे तो हमें पसंद नहीं आते, आलू के पराठे। तो चलिए आलू के पराठे खाते हैं हम लोग। है ना? सही है सही है। बोतल तो रख लिया अपन ने। हाँ पीछे खींचो दो मिनट। तो ये बोतल रख ली है पानी की, यूटर्न लेते निकलते हैं। ऐसे सेब वगैरह भी है यहाँ पर, मैं सोच रहा हूँ एक चॉकलेट खा लेता हूँ तो थोड़ा सही रहेगा। तो भाई चॉकलेट हमने ले लिए, छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो बच्चे आएंगे हम लोग उन्हें चॉकलेट देंगे। क्योंकि भाई कल ना मुझे बहुत बुरा लगा, एक बच्चे ने मुझे पूछा कि भाई भैया नहीं, एक बच्चे ने मुझे हाथ दिया, मैंने उनसे कहा सॉरी भैया सॉरी बेटा मेरे पास चॉकलेट नहीं है। तो उसने मुझसे कहा कोई बात नहीं भैया। ठीक है भैया। नहीं ये तो मेन हाईवे दिखा रहा है ना, ये तो सीधा है। तो वही तो बता रहा हूँ, इधर ही जाना है ना। हाँ इधर ही जाना, टी पॉइंट आएगा, टी पॉइंट से लेफ्ट। बाकी तो अपने माधव की डाल ली, ऑफलाइन डाउनलोड कर लिया। ठीक है मिलते हैं परसों, मिलते हैं ना। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। ठीक है मिलते हैं। अब अभी तो आना वापस थोड़ा सा लेट होगा लेकिन आप आइए। ठीक है बिल्कुल, एक बार हमें मौका दीजिए। नहीं नहीं
हमारे यहाँ इंदौर साइड, ठीक है चलो ठीक है भैया ना, ओके नाइस टू मीट यू। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, ये शॉर्टकट है शॉर्टकट, बाय बाय। तो लो जी हम लोग निकल चुके हैं आज, और आज के हमारे डिस्टेंस है, आज के हमारे जो डिस्टेंस है 170 किलोमीटर, और जो हमें लगने वाले 5 घंटे तो गूगल भैया बता रहे, हमें 8 के आसपास लगने ही वाले। तो लेके आ चुके हम लोग प्यारी सी खूबसूरत सी दुनिया में, जो कि है लद्दाख की, और हम लोग अभी जा रहे हैं डिस्किट, डिस्किट में हम लोग पेट्रोल फुल करवाएंगे, उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और मॉर्निंग वाली जो धूप है ना वो बहुत प्यारी प्यारी लग रही है, और व्लॉग में भी अच्छा ही दिख रही होगी। देखो यहाँ पर ये जो आर्मी के ट्रक्स है ना, यहाँ पर जो स्कूल के बच्चे हैं वो सारे आर्मी के ट्रक्स में ही स्कूल जाते हैं और वापस आते हैं, और मैं आगे चल रहा हूँ, बाकी राइडर्स पीछे आ रहे हैं। और ये देखो ये पूरा भाई रेगिस्तान वाला फील हो रहा है, पूरा रेगिस्तान वाला के रेगिस्तान में। देखो ये रेत देखो भाई कितनी ही सॉफ्ट और कितनी प्यारी है। बाइक्स वगैरह ऊपर खड़ी है, यहाँ पर हम लोग फोटोशूट के लिए आए, काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो चलो यहाँ से निकल, ए अबे अबे आंखों में आ रहा है। तो नुब्रा वैली, तो नुब्रा वैली में ये HP का पेट्रोल पंप मिल जाएगा आप लोगों को, और उसके बाद पेंगोंग के बीच में कहीं नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप। तो ये आप लोग कहीं भी, तो अगर आप लोग निकलते हो यहाँ से पेंगोंग, अगर आप लोग नुब्रा से पेंगोंग के लिए जाते हो तो यहाँ पर पेट्रोल फुल करवा लेना, और एक्स्ट्रा 5 या 10 लीटर अपने बाइक के हिसाब से आप लोग फुल करवा लेना, ठीक है। क्योंकि देखो हमने रखे 5-5 10 लीटर इनके पास है, 5-5 उनके पास है R1 में, और 10 लीटर जो है भैया की इनफील्ड में, और हमारे पास लगेज ऑलरेडी है। तो उसके बाइक जो खाली थी पूरी, तो उसके बाइक हमने लोड करवा रहे, उसकी बाइक पूरी खाली थी तो हम लोग उसके बाइक में फुल करवा रहे हैं, और अपन के पास तो अपने पास ऑलरेडी है। तो मैंने तो कल टंक फुल करवा लिया था, अभी यहाँ से आप लोग भी आओ तो बिल्कुल ले लेना, अगर आप लोग भी जाते हो पेंगोंग के लिए तो यहीं से फुल करवा लेना। और एक और है ये वाला HP का बड़ा पेट्रोल पंप है, एक और छोटा पीछे हम लोग छोड़ के आए, वो है इंडियन ऑयल का। तो भाई यहाँ पर भी ट्रैफिक लगा हुआ है, बस रुकना रुकना भैया आगे ले लो। काटो काटो, चलो निकालो। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है भाई, ये होता ही रहता है, क्योंकि उधर का रास्ता जो मैंने ना बन रहा है तो मैं इधर से लाया, और भाई ट्राले वाले भैया भी थोड़ा सा आगे ले लो आप, मिल जाएगा मिल जाएगा। आपने अभी फुल नहीं करवाया क्या? फुल तो ले में करवाए थे, ले में करवाए थे ना। तो एक काम करो आगे 50-50 है, ठीक है, यहाँ से यू टर्न लो, वहाँ पे जब जो पेट्रोल पंप देखा आपने HP का उसका डाला लो, पीछे कैन भी फुल करा लो, क्योंकि आगे 50-50 है, मिलेगा नहीं मिलेगा कोई भरोसा नहीं है। कहाँ मेन पेंगोंग जा रहे हो? पेंगोंग ना, हाँ तो फिर फुल करवा ही लो, हम लोग वहीं जा रहे हैं, ठीक है यू टर्न लेके चले जाओ। चले गर्मी होगा भाई इतने में, क्योंकि अंदर गर्म कपड़े पहने ना, क्योंकि जब हम लोग छाव में होते हैं ना तो भाई ठंड लगती है। आज से बर्फ गिरना शुरू हो गई, ये देखो ऊपर आज ही नाइट में बर्फ गिरी यहाँ पर, जो ऊपर का जो पहाड़ दिख रहा है ना यहाँ पर, और एक सामने साइड। तो अभी जिस कैंप में हम लोग रुके थे ना, ये कैंप बस 2 दिन और चलने वाला, उसके बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो चालू हो जाएगी।
तो आज तो भाई सुबह से ही ऑफ रोडिंग मिल गई, काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग भाई। देखता है ना तो ऐसा ना कि इसमें थकान बहुत हो जाती है, तो फिर जब रूम पे जाओ ना तो फिर और ये देखो और यहाँ पर भाई गलती से एक कार निकल गया ना तुम्हारे सामने से तो भूत बन जाओगे, दिखेगा भी नहीं कुछ सामने ना, तू ना तुम किसी को दिखोगे। चल रहा है भाई, ये लोगों को सैल्यूट है। यहाँ पर इतनी तेज धूप में और ठंड तो बोले माइनस और ठंड तो माइनस ठंड में यहाँ पर काम करते हैं हमारे लिए और इतना प्यारा प्यारा रूट बना के देते हैं भाई, इन लोगों को सैल्यूट है सैल्यूट। और ये ना अधिक और ये जितने भी वर्कर्स हैं ना और ये जितने वर्कर्स हैं ना ये सारे ही यूपी और बिहार के, अधिकतर यूपी और बिहार के, उसके बाद में वेस्ट बंगाल, ये तीन जगह के ज़्यादातर मिलेंगे जहाँ तक मैंने बात करी है। बिहार के, यूपी के और वेस्ट बंगाल, इधर के ज़्यादा मिलेंगे। अभी यहाँ क्या हुआ है, छाँव में लगा दे बाइक। क्या हो रहा है भैया? अच्छा रोड कटिंग चल रही है, तो यहाँ पर रोड कटिंग का काम चल रहा है और हम लोग भी यहाँ करेंगे। कहाँ से हो आप? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कहाँ से? संसोल से। अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया। यहाँ क्या डे के हिसाब से देते हैं आपको पैसा? 7,500। 7,500 रुपये महीना? ओके। और यहाँ पे रहने खाने का? फ्री। रहने खाने का फ्री, लेकिन ठंड हो या गर्मी हो काम तो करना है। ठंड में नहीं रहेंगे ना, सर्दी में नहीं रहेंगे। और सर्दी में तो बंद हो जाएगा, लेकिन शाम को ठंड होती है ना, तब तो काम करना ही रहता है ना। शाम को नहीं होता है, अभी दिन को होता है, शाम को सो जाते। शाम को सो जाते, चलो बहुत अच्छी अच्छी बात है, दिन को रहता है ना, सही बात है। क्या देख रहे हो आप? सिम नहीं है, वीडियो देखे। अच्छा वीडियो देख, सिम नहीं है क्यों? सिम नहीं, फिंगर नहीं लेता है मेरे में। फिंगर नहीं लग रहा है? ओके। अच्छा इसमें फिंगर नहीं लगता है काम करते टाइम? इसमें हाँ, इसमें लगता है, मतलब वहाँ पर जब सिम लेने जाता है ना, हाँ फिंगर लगता है। अच्छा ओके ओके ठीक है, तो चलो देखो वहाँ पर काम चल रहा है, हम लोग की ये थोड़ी देर रेस्ट करते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से। ये फिर से रोक दिया गया यहाँ पर, यहाँ आगे भी रोक दिया क्योंकि यहाँ पर भी रोड बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी जो रोड है उसको वाइट किया जा रहा है। तो भाई आज लेट नहीं हो जाए यार, क्योंकि आज लेट नहीं होना चाहिए, बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ऑफ रोडिंग है आगे। आराम से आराम से आराम से। गई 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 गई। नहीं नहीं नहीं, आराम से। चलो तो यहाँ पर ना काफी सारी मिट्टी है, इधर चला, इधर इधर रोड पे चला, इधर तो ना हैंडल थोड़ा टाइट रखना पड़ रहा है क्योंकि सोई गई। अरे भाई साहब हवा ठीक है, यहाँ पे मिट्टी है इसलिए फिसल रही है, हमारे भी फिसल रही है। तो भाई जब हम लोग आए थे तब ओ शिट, ये देखो इधर खाई और इधर खाड़ी फिसल रही है। ओ शिट भाई क्या हो रहा है, ये रास्ता कौन सा था, हमने इधर हम लोग यहाँ से आए थे क्या? चलो हर हर महादेव, थोड़ी हम लोग गाड़ी इधर साइड चलाएंगे राइट में, क्योंकि बाइक जो है ना स्किड कर रही है, क्योंकि उधर भाई नीचे तो बहुत गहरी खाई है। हम लोग इसे गियर में ही चलाएंगे, क्लच नहीं पकड़ना है, ब्रेक भी पूरा टच नहीं करना है, बस ब्रेक में। आ रही है क्या? किसने बोला? वापस जाना है? अरे यार
रास्ता तो यही है ये। चलो रिस्क लेके हम लोग जा रहे हैं क्योंकि रास्ता ब्लॉक है बता रहे आगे। चलो देखते थे हाँ उससे जाना है। वो कहाँ से आएगा? थोड़ा सा जरा ना थोड़ा सा आवाज नहीं आ रही है। कहाँ से जा रहा है वो रास्ता? मुझे है ना आगे पीछे गए हाँ, पीछे से इधर है ना गांव में से होते हुए 3 किलोमीटर जा रहा है। अच्छा ये बंद है ना। चलो कोई बात नहीं। तो भाई ये रास्ता तो बंद बता रहा हमें जो शोक रिवर उसके उस साइड से जाना है होगा। लो 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 तो चलो चलते इनको निकल जाने दो पहले। निकलो चलो गिरना नहीं चाहिए गिरना नहीं है वैसे ना क्योंकि केन वगैरह भी है। आराम से आराम से आराम से आराम से स्लो स्लो भाई यहाँ से मिट्टी मिट्टी आ रही है यहाँ से मिट्टी गिर रही है। चलो 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 ओ शिट ए जल्दी जल्दी निकलो जल्दी निकलो 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 जल्दी निकलो लैंड स्लाइड हो रही है। चलो 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 आगे चलो आगे चलो यार ये क्या हुआ लैंड स्लाइड दिखी हमें। ओह हे भोलेनाथ हर हर महादेव। भाई ये रूट ना शायद इसीलिए क्लोज्ड है क्योंकि यहाँ पर लैंड स्लाइड काफ़ी ज़्यादा हो रही है और हमें नीचे वाले रूट से जाना होगा। शायद हमने एक गलत रास्ता ले लिया। भाई रुक 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 आराम से आराम से आराम से क्योंकि अपने गाड़ी में ना सामान ज़्यादा है और पावर कम है ना तो जब मिट्टी में जाती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है पिकअप नहीं बन पाता है। वो देखो वो गाड़ियाँ किसी जा रही है। शिट 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 यार क्या ही हो रहा है आज। अंतर आराम से पहुँचना हमें हम आराम से जाना ठीक है। जय श्री महाकाल हर हर महादेव। तो हमें खलसर से मुड़ना उस रूट पे। देखो ये रूट यहाँ जा रहा है देखो वो वाला दिख रहा है चौक वहाँ पर ये वहाँ से आके वो वाले चौक से मुड़ के वो जा रहा है देखो ब्रिज के पास ठीक है। नीचे जाके पूछना नहीं नहीं ये ये नीचे चौक दिख रहा है आपको वहाँ पर से आते हुए देख रहा हूँ ये नीचे चौक दिख रहा है आपको है ना। यहाँ से राइट वाला रूट जा रहा है देखो वो देखो बेस कैंप तक गया है। बेस कैंप देखो आधे ऑफ रोड है फिर ये ब्रिज आएगा देखो ब्रिज ये क्रॉस करना शायद क्योंकि आगे वो रहा रूट देखो वो दो राइडर खड़े देखो वहाँ पर वो पीछे का रूट है वो तो खराब मतलब खराब रूट है बंद रूट है। अच्छा 3 महीना हो गया पता नहीं चला। तो आगे जाना आगे से क्रॉस फुल क्रॉस करना ठीक है फिर उधर से थोड़ा जगह से राइट लेना ठीक है ओके पूरा जाएगा आपको मिलेगा रास्ते में। ओके ओके ठीक है थैंक यू। तो ये लो जी हम लोग वापस से आ गए 3 से 4 किलोमीटर और हम लोग लेफ्ट से आए थे अभी जब हम लोग आए थे ना तो यहाँ से तुरतुक और यहाँ से तुरतुक का रास्ता है और यहाँ से नुब्रा वैली का और हम लोग यहाँ से अब लेफ्ट लेंगे। हम लोग ने राइट लिया था अब लेफ्ट लेंगे। आप भी अगर नुब्रा वैली से पेंगोंग जाना चाहते तो एक बार श्योर कर ले कि रास्ता कौन सा है। देखो ऊपर इतने सारे बाइकर्स जा रहे हैं ऊपर बहुत सारे बाइकर्स दिख रहे हैं बहुत सारे वो रूट जा रहा है आगे से तो गोल घूम के ऊपर निकल जाएगा और हम लोग शोक रिवर के उस साइड से जाएंगे। अल्टीमेट क्या ही व्यू आ रहा क्या ही व्यू आ रहा देखो
तो ये ले, तो ये लो जी हम लोग अब लग चुके हैं फाइनली रास्ते पे पेंगोंग के, और अब सीधा पेंगोंग तक ऐसे ही इसी रूट से जाना है हमें। अब गूगल में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग, ये वाला रूट पकड़ लेते हैं। गई 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 भाई, यहाँ पर मिट्टी में गाड़ी बहुत गंदी वाली फिसल रही है। आज तो सुबह से हालत खराब हो गई भाई, क्योंकि रास्ता खराब है तो हालत भी खराब। अगर पेंगोंग तक इस टाइप से रहा ना तो पता नहीं क्या होगा कल। तो अब मेरी हालत हो चुकी है खराब, और कहीं रेस्ट लेना ही होगा क्योंकि भाई कंधे बहुत बुरी तरीके से दर्द हो रहे और हाथ भी दर्द होने लग गए। और गर्मी अलग हो रही है क्योंकि ऑफ रोडिंग है ना, और पूरा पैक करा हुआ है तो गर्मी बहुत हो रही भाई। और अपनी बाइक एडवेंचर नहीं है ना, टूरिंग बाइक नहीं है, तो वो जितने भी ऑफ रोड है ना भाई, सारा कुछ पूरा फील होता है। कंधे दर्द होते हैं, सब होता है, क्या करे, सपने हैं, सपने भी पूरे करने हैं। रोड रोड आ रही है ना, अभी फोन लगा है रोड को। रोड कहाँ है रोड। भाई मेरे कंधे दर्द होने लग गए। मेरे को तो रहे क्योंकि बहुत गंदी वाली है भाई आज। देखो पूरा यहाँ से लेके वहां तक पूरा ऑफ रोड ही ऑफ रोड है। 111 चली गई तभी तो ना खड़ी करी थी वहां पर। ये नीचे नहीं चले जाए, ये गई 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 गई। पेट्रोल डूल रहा है क्या? तो एक काम कर, एक काम कर, थोड़ा सा आगे अपन साइड में लेते हैं, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, सिर्फ यहाँ तक, ये यहाँ तक ऊपर चढ़ के 111 डिग्री टेम्परेचर हो चुका। ओ भाई ये तो बहुत ज्यादा डूल रहा है, बहुत ज्यादा डूल रहा है भाई, आराम से ले, बहुत ज्यादा डूल रहा है, ये आगे खड़ी करते है ना। तो लो जी हो गया पूरा सेटअप, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई ना भाई। तो देखो जो मेरा बैग था वो मैंने पीछे डोमिनार पे बांध दिया है, एक बैग, एक ये पेट्रोल का कैन, हमने गलती बहुत बड़ी करी, इसको यहाँ तक फुल करवाना था, लेकिन यहाँ करवा ले, जब बांध रहे ना तो भाई सब लीकेज हो रहा, देखो टपक रहा है, सोच लो अब क्या क्या ही होगा। जो बहुत टेंशन भी हो रही है कि क्या होगा भाई, आप लोगों का ना बहुत कम कम है, मेरा बहुत ज्यादा है भाई। अरे तू टेंशन मत ले, नहीं होगा, वो हल्का का निकाले खुद ही खाली हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना, नहीं लगेगी। ठीक है, और ये गाड़ी तो अपने तो इसके पास तो जो है भाई के पास वही है, और मेरा जो बैग था मैंने यहाँ बांध दिया है। ठीक है भाई, चले चलो भाई, बस वो ढूंढ रहा मुझे, उसका डर है बस, बाकी और किसी चीज़ का डर नहीं है।